गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम ये डिस्कशन करिबा बीएड एंट्रेंस 2022 पाई किछि मोस्ट इम्पोर्टेंट पेडागोजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन उपरे, जहाँ कि आपण माने एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। ये होची माराथन क्लास, एथरे आम डिस्कशन करिबा 75 क्वेश्चन। तो आम खूब शीघ्र विथिन 30 मिनट्स आम यू कवर करवा, ओनली आम क्वेश्चन आंसर ही देवा। तो आप मैंने चाहिए आउट ऑफ 75 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहत भावे जणाई पारिबे। तो देखने बा आप मैंने आउट ऑफ 75 केते स्कोर करुचंती, 75 रे केते रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहत भावे जणाईबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही, गांधीजी स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड इन द ईयर। तो आप समस्ते जानते बेसिक एजुकेशन स्कीम को महात्मा गांधी प्रोपाउंड करते, तो सेटा कौ ईयर रे प्रोपाउंड करते से पचार कौ वर्ष से प्रोपाउंड करते, चारिटा ऑप्शन रही है, मुझे डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छे। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 गांधीजी बेसिक एजुकेशन को प्रोपाउंड करते। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर, जो मैंने सी टिक कर एक मार्क एड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसोफी, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय। तो कौन कह एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसोफी, ए स्टेटमेंटा किए दे, तो ए स्टेटमेंट को दे किए जॉन आडम्स। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, एजुकेशन एज ए ट्राइपोलार प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड बाय, एजुकेशन टा गोटे ट्राइपोलार प्रोसेस, ए जो स्टेटमेंट टाको किए डिस्क्राइब करथिले, तो ये हमारा सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डियो, जॉन डियो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, आमर जो RCFCE आक्टा केबे पास होता से पचारुछि। तो ये क्वेश्चन टा बहुत बार OTT एग्जाम में आसी, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाज रिटन बाय, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक को कहाँ द्वारा लिखा जाए, तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक वाज रिटन बाय जॉन डियो। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एस्टैब्लिश्ड इन, आमर जो NCERT केबे स्थापना करा जायतिले से पचार छि, NCERT स्थापना करा जायले केबे, ना 1961 रे, तार हेडक्वार्टर कोठी अछि NCERT रो, न्यू दिल्ली रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राममूर्ति कमिटी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1990 टू रिव्यू द, तो 1990 मसीह रे राममूर्ति कमिटी को गठन करा जायतिला, कहाँ को रिव्यू करिया पे से पचार छि, तो कहाँ को ना अमर नेशनल कमिशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 को रिव्यू करिया पे अमर राममूर्ति कमिटी को गठन करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इन 1983, 1983 मसीह रे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को किए दे, तो ये आम करेक्ट आंसर जो कौन ना हावर्ड गार्डनर, डॉक्टर हावर्ड गार्डनर देते मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, साइकोलॉजी मे बी डिफाइंड एज, साइकोलॉजी माने कौन, स्टडी ऑफ द, ये आप डायरेक्ट आंसर कर रखी, साइकोलॉजी मे बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी, एटा कहाँ सहित रिलेटेड करा किए कहते नम्र MK गांधी, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन अंडर ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया अंडर रे भारतर प्रथम एजुकेशन कमीशन कौटा से पचार, तो इंडिया फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ब्रिटिश इंडिया समय रे कौटा ना हंटर कमीशन, ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर, हंटर कमीशन, सेटा आसला 1982 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन कमीशन इन
इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन वाज चेयर्ड बाय तो आमर जो एजुकेशन कमिशन भारत स्वाधीनता हला परे आरंभ हला तो से आमर सेकेंडरी एजुकेशन को फोकस कला तार चेयरमैन किए थे सेकेंडरी एजुकेशन चेयरमैन किए थे तो ये आमर करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन नंबर बी ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार लक्ष्मी लिख दीजिए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ताराचंद कमिटी प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन ऑन आमर ताराचंद कमिटी गठन करा दैतिला कहाँ को रिकमेंड करुच्चे तो ये आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट रही टीचिंग एड्स आर यूजफुल बिकज दे तो यह सब क्वेश्चन रिविजन करा जाउछि कहीं एग्जाम आपण मानक 31 तारीख रे अछि तो रिविजन कले आपण मानक मेमोरी रे फिट हो जीवो तो आमर टीचिंग एड्स आर यूजफुल बिकज दे टीचिंग एड्स आर आमर टीचिंग एड गुडा को व्यवहार करा जाउछि कोन पई से पचारि छि कहीं मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल आमर जो लर्निंगटा भलसे आम बुझी पारिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन इज अल्सो कॉल्ड कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन को आउ कौन कहा जाए पचार कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन इज अल्सो कॉल्ड एज सेटलर कमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड इन आमर माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप कौ कॉलेज कौ यूनिवर्सिटी होता से पचार तो ये आम करेक्ट आंसर होती स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी किए करते ना डी डब्ल आलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी एक्टिविटी ऑट टू हैव ए मीनिंग व्हिच फिट्स इन प्रोग्रेसिवली इनटू ए लार्जर फ्रेम ऑफ मीनिंग फेल्ट एटा किए कहते ए स्टेटमेंटा दे किए जॉन ड्यू दे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंसीव्ड द आइडिया ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय आमर जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय बनवा पई आइडियाटा को पूर्वतन प्रधानमंत्री देथिले तो ये आमर करेक्ट आंसर जीव कौन ना ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस को कहा द्वारा डेवलप करा जाइतिला करेक्ट आंसर होची डेनियल गोलमैन को ईयर रे 1995 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर एज ए लीडर शुड बी गोटे शिक्षक कौ भाया लीडर होगा उचित डेमोक्रेटिक होगा उचित गोटे शिक्षक सब डेमोक्रेटिक लीडर होगा उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉडल ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज एसोसिएटेड विथ तो मॉडल ऑफ टीचिंग टा आमर अंडरस्टैंडिंग लेवल सहित संपर्कित एटा किए कहते मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कूल इज एन एजेंसी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन बट कम्युनिटी इज एन एजेंसी ऑफ डेस तो स्कूल टा गोटे आमर फॉर्मल एजुकेशन रो उदाहरण तो कम्युनिटी टा कौन हम ना नॉन फॉर्मल एजुकेशन रो उदाहरण नॉन फॉर्मल ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल लिटरेसी कैंपेन टीएलसी वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन द स्टेट तो आमर टीएलसी टोटल लिटरेसी कैंपेन टा सर्वप्रथमे कौ राज्य आरंभ होता टीएलसी आमर केरल आरंभ होता केरल ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल लिटरेसी मिशन NLM वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर आमर NLM नेशनल लिटरेसी मिशन टा इंडिया रे केबे स्टार्ट होता नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्ट होता 1988 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वाज इनिशिएटेड बाय आमर जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम टा इनिशिएट होता कहा द्वारा तो ये आमर करेक्ट आंसर हो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 NPE 1986 आसला परे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को स्टार्ट इनिशिएट करा जायतिला तापरे आमर 1987 रे एटा स्टार्ट हेतिला 1987 रे स्टार्ट हेतिला तो आमर ऑप्शन नंबर बी होचे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द अदर नेम ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन इज आमर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रो अन्य ना कौन सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रो अन्य ना होची मुदलियार कमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एम ऑफ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आमर स्टार्ट करागला तार मुख्य लक्ष्य कौन से पचारिछि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्टार्ट करार एम होची जे
प्रोवाइडिंग मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज टू ऑल प्राइमरी स्कूल इन द कंट्री। आम देश में जिते गुड़ाए प्राइमरी स्कूल अच्छी प्राथमिक स्कूल अच्छे से जहाँकि मिनिमम आवश्यक रही फैसिलिटी से गुड़ाक जोगाइबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट हैज इक्विप्ड मोर देन 7.4 लाख गवर्नमेंट स्कूल स्कूल टीचर्स विथ आईटी स्किल्स अंडर विच प्रोजेक्ट। कौ प्रोजेक्ट रे से पचार माइक्रोसॉफ्ट, तो ये आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप इन 1945 एज ए नेशनल लेवल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी टू कंडक्ट ए सर्वे ऑन द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन कहले माने AICTE आप मारे बिंदास AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुर हैड बीन वाचिंग ए वेरी एग्रेसिव गेम्स एंड देयरफॉर वाज बिकमिंग वेरी एग्रेसिव इन हिज जनरल बिहेवियर। दिस इज सिमिलर टू फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन सोशल लर्निंग बाय। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी कही मैंने आप बिंदास मारे आलबर्ट बांडुरा, तो ये आप जानवा किसी दरकार नहीं, खाली सोशल लर्निंग देखिए आलबर्ट बांडुरा मारे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही वारदा स्कीम इज पॉपुलरली नोन एज। वारदा स्कीमटा आमर कौ ना प्रसिद्ध अच्छे। वारदा स्कीम इज पॉपुलरली नोन एज। वारदा स्कीम इज पॉपुलरली नोन एज बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन ना आमर परिचित यहाँ के 1937 लॉन्च होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एड्स आर यूजफुल बिकज दे, यहाँ अलरेडी आम डिस्कसन करते बिकज दे मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल मैंने अति सहज शिखबार आम शिक्षण अति सहज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही NIEPA स्टैंड्स फॉर। NIEPA रो फुल फॉर्म कौन पचार, तो NIEPA रो फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ 1 टर्म इच। तो छ मास टर्म रे आमर गोटे असेसमेंट कंप्लीट होची, तो सीटा कौन कह सेमिस्टर रेमेडियल समेटिव ना फॉर्मेटिव। तो देखु गोटे टर्मटा कंप्लीट होची एंड 6 मंथ रोचे कि 1 ईयर रोचे आमर कौन होची आमर जो हाफ इयरली आउ एनुअली एगुड़ा आमर समेटिव असेसमेंट रे जाउची समेटिव असेसमेंट रे जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट आर द टूल्स यूज्ड बाय टीचर टू हेल्प लर्नर्स टू लर्न ए कनसेप्ट इजिली। जेकोसी कनसेप्ट को सहजरे शिक्षार्थी मैंने जानापी शिक्षक कौ प्रकार टूल्स व्यवहार करती, तो आमर TLM जानते TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन इज ऑल्सो नोन एज। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन इज ऑल्सो नोन एज। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन टा आउ ना प्रसिद्ध द राधा कृष्णन कमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज CISSE स्टैंड्स फॉर। CISSE रो फुल फॉर्म पचार फुल फॉर्म होची काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एजुकेशन इज एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पोज फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस इट इज नोन एज। बिना माने कौनसी तार सठिक उद्देश्य नाही ठीक टाइम टेबल नाही ठीक प्लेस नाही जोड़ पड़ा से आम शिक्षा नेबा कौन सी टाइम नाई तार कि उद्देश्य नहीं सीटा आमर कौ प्रकार एजुकेशन जाटा हूँ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज NCERT स्टैंड्स फॉर। NCERT फुल फॉर्म पचार NCERT फुल फॉर्म होची NCERT फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट रही इंटेग्राल एजुकेशन इज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू। इंटेग्राल एजुकेशन कही मैंने बिंदास मारे श्री अरबिंदो। नेक्स्ट रही बिफोर टीचिंग ए लेसन द टीचर सुड मैंने गोटे लेसन पढ़ाया पूर्व शिक्षक कौन करवा उचित क्रिएट इंटरेस्ट एमंग द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन।
माने गोटे लेसनटा पढ़ापी पिला उत्साह बा इंटरेस्ट आग्रह सृष्टि करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन, स्टूडेंट माने भलसे शिखिपारे केते बेले भलसे शिखिपारे। तो स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन स्टूडेंट्स डू द एक्टिविटीज देमसेल्व्स, से माने जदि पिला माने निजे निजे मध्यरे किछि शिखिबा पाए किछि एक्टिविटी करूछंती ताहाले जानिबे जे पिला माने भलसे शिखुछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है विच आर द फॉलोइंग हैज द लिस्ट इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, पिलामानकर लर्निंग उपरे सबुठ कम प्रभाव कौटा पकोउची से पचारिछि। तो देखंतु हमर टीचिंग एटा तो इंपैक्ट पकोउची बहुत, टीचिंग मेथड भी इंपैक्ट पकोउची, टीचर्स टीचिंग स्किल मध्ये इंपैक्ट पकोउची, किंतु रेपुटेशन ऑफ स्कूल रो ना थबो तो ना थिले कोन पिलामानक उपरे इंपैक्ट बेसी पकोउची सेमिति किछि न। तो स्कूल रेपुटेशन डा सेमिति किछि सबुठ कम इंपैक्ट पकोउची पिलामानकर लर्निंग उपरे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है आइडियल टीचर क्या कह कि जड़े फ्रेंड हो पार, जड़े फिलोसोफर हो पार, जड़े गाइड हो पार, इज ए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, ताको कह आइडियल टीचर बा आदर्श शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन वोमेन्स आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकज, तो महिला मैंने लेडीज शिक्षयत्री आम जो शिक्षयत्री मैंने अच्छा लेडीज टीचर मैंने से मैंने प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्कूल बेटर टीचर कहीं पचारि कौन पाई कहीं से माने कहीं दे बिहेव मोर पेसेंसली विथ चिल्ड्रन, पिला सहित प्यार रे बाप धन करके बुझेबे, आउ जेंट्स टीचर गुड़ा टी रागिजे इरीटेट हो तो पिला भलसे बुझीपारे। तो से महिला टीचर मैंने प्राइमरी लेवल छोट पा भलसे बुझे बाप धन करके बुझेबे। तो ऑप्शन नंबर बे ए हूँ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही द फुल फॉर्म ऑफ एनएएसी फुल फॉर्म पचारी, तो एनएएसी फुल फॉर्म होची नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चिल्ड्रन फील हंग्री व्हेन दे हियर द मिड डे मील बेल, सच ए फीलिंग इज एन एग्जांपल। तो कौन कहते ना जिते बार मध्यान भोजन बेल बाजे पे भोकिला अनुभव करती, तो यहाँ कौ प्रकार उदाहरण से पचारि, तो यहाँ आम क्लासिकल कंडीशनिंग रे जाउछि। नेक्स्ट रही चिल्ड्रेन लव्स दोज टीचर्स हु, पिला माने को भले टीचर को अधिक भल पाती, पिला माने को भले टीचर अधिक भल पाती ना जो टीचर पिला मानकर केयर नियंती ता से तो सिंसियरली रुहंती ताकू समस्त पिला माने बहुत भल पाती। तो जो टीचर पिला माने करो केयर करते पिला माने को जत्न नियंती से माने कौन बुझुचते कौन नाई से माने कौन प्रॉब्लम अच्छे बुझुचते ताकू पचार उचरा करछंती एवं सिंसियरली रहउछंती से माने सेही भला टीचर को पिला माने अधिक भल पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्कूल करिकुलम शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, स्कूल करिकुलम आमर कौन प्रोवाइड करछि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सोशल ना सा फिजिकल ना ऑलराउंड, तो करेक्ट आंसर होची ऑलराउंड डेवलपमेंट होची। स्कूल करिकुलम रे आमर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होची सोशल होची फिजिकल होची, तो ऑप्शन नंबर डी हिजबो ऑलराउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज यूजीसी स्टैंड्स फॉर, यूजीसी रो फुल फॉर्म कौन पचारि, यूजीसी रो फुल फॉर्म होची यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन, ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन, आमर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डा कहा को फोकस करूची, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डा फोकस करुच्छे आमर कौन ना मिसकनसेप्शन ऑफ द लर्नर्स, लर्नर मानकर मधेरे बुझिबार किछि प्रॉब्लम रहउछि किछि वीकनेस रहउछि कोथि सेटा को फोकस करुच्छे आमर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट रहउछि सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑल प्ले इंपोर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल लर्निंग, दिस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ, तो सोशल इंटरेक्शन कही लैंग्वेज कही सोशल कंटेक्स्ट कही माने यहाँ बिंदास मारे वाइगोर्स्की कंस्ट्रक्टिव विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, आमर पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट केबे पास होता यहाँ के 1995 पास होता पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ईयर इज कंसीडर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन,
IYDP International Year of Disabled Person एटा को वर्ष पालन कराया जाय छी स्टार्टिंग 1981 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट रहिछि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू तो अधिकारु अधिक पिला को प्रकार टीचिंग मेथड रे भाग नहीं पारिबे एटा हमरो इंडक्टिव मेथड ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर इंडक्टिव मेथड रे मैक्सिमम पिला भाग नहीं पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेज मार्क्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर पीर ग्रुप्स को स्टेज रे पिला माने से माने को पीर ग्रुप माने सांगसाथी ग्रुप रे अधिक सक्रिय रुहंती बा इन्वॉल्वमेंट हुंती तो ये हमर करेक्ट आंसर होची एडोलेसेंस पीरियड रे एडोलेसेंस स्टेज रे। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज लर्निंग रो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग कौन से पचारिछि सबडरो उपयुक्त अर्थ कौन लर्निंग रो तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हमर व्यवहार रे परिवर्तन। नेक्स्ट रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड कोटा नुहे प्रोजेक्टेड एड कोटा गोटे नुहे तो देखंतु हमर ओवर हेड प्रोजेक्टर गोटे प्रोजेक्टेड एड एपिडास्कोप गोटे प्रोजेक्टेड एड स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोजेक्टेड एड ब्लैकबोर्डा गोटे प्रोजेक्टेड एड नुह ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही NUEPA इज मेनली कंसर्न विथ NUEPA कहाँ सहित संपर्कित आमर EPA एजुकेशनल प्लानिंग कमीशन एजुकेशन प्लानिंग सहित रिलेटेड आमर एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन तो आमर एटा एजुकेशन प्लानिंग EPA माने एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो आमर एजुकेशन प्लानिंग सहित संपर्कित। नेक्स्ट रही एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग टा कहाँ सहित संपर्कित अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग टा सब टीचर सेंटर रे जाउछि ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ब्लैकबोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप ऑफ टीचिंग एड ब्लैकबोर्ड टा को प्रकार टीचिंग एड रे जाउछि ब्लैकबोर्ड टा केवल ब्लैकबोर्ड रे शिक्षक लेखिले आम केवल देखि परबा तो सेटा हमर ओनली विजुअल एड्स रे जीव केवल देखि परबा तो विजुअल एड रे जीव ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर विजुअल एड। नेक्स्ट रही व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर टीचर पर मधुर कौटा अधिक इम्पोर्टेंट से पचारी तो देखते ये आम कौन हम ना टू रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स तो गोटे शिक्षक मुख्य भूमिका होची जे पिला माने को कोठी बुझबार कष्ट होची को डिफिकल्टी होची सेटा को हमें रिमूव कर परबा ताको बुझे परबा ताले सेटा होची गोटे इम्पोर्टेंट भूमिका। नेक्स्ट रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम इज टू मिड डे मील स्कीम आमर जो मध्यान भोजन स्कीम रो मुख्य लक्ष्य कौन से पचारी तार उद्देश्य कौन से पचारी मिड डे मिल स्कीम स्टार्ट करने उद्देश्य होची जे एनकरेज चिल्ड्रेन टू कम टू स्कूल पिला माने अधिकरु अधिक स्कूल रे की भलिया जॉइन करिवे सेति पई मिड डे मिल को लॉन्च करा जायछि। नेक्स्ट रहिछि इफ द चिल्ड्रेन डू नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट दे शुड तो कहिछि जदि पिला माने इफ द चिल्ड्रेन डू नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट दे शुड तो कौन कहिछि ना पिला माने कोनो सब्जेक्ट को बुझी पार ना ताले ता कोन करबा छै ताकू आमे रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करबा उचित तो करेक्ट आंसर होची बी प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग प्रतिकारात्मक शिक्षा ताकू प्रोवाइड करबा उचित जहाद्वारा तार अंडरस्टैंड तार जोड़ा बुझी पारुनी से आराम से बुझी पारिबो तो डाउट क्लियर हो पारिबो तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए स्टूडेंट डज नॉट पे अटेंशन इन द क्लास द टीचर नीड्स टू जदि कौन से पिला स्कूल रे पाठ पढ़ा ध्यान दौना ताहले शिक्षक कौन करेंगे तो ताहले कौन करेंगे ना ताकू काउंसिल हिम और हेर
ताकू परामर्श देवे जे बाप एमती करे सेमती करे तू भल से पढ़े तोर आगू फ्यूचर अच्छे तू भल जॉब करू भल तोर माने तोर फ्यूचरटा भल हम तो तते लोके भल कहे एसब बुझे पड़ो आम टीचिंग मेथड चेंज कर पारे नहीं कि इग्नोर कर पारे नहीं आम अणदेखा करवा नहीं कि टीचिंगटा अधिक इंटरेस्टिंग नुह तो आम काउनसिल करा पड़ो परामर्श देवा पड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है स्कूल एजुकेशन सुड बी आइडियली बी तो स्कूल एजुकेशन को भाया हो उचित से पचार तो आम स्कूल एजुकेशन सब स्टूडेंट सेंटर बा लर्नर सेंटर बा पुपिल सेंटर होगा उचित। नेक्स्ट रही है क्रिएटिव चाइल्ड वन हु इज क्या आम क्रिएटिव चाइल्ड कह कि हु आस्क अनयुजुआल क्वेश्चन माने क्वेश्चन एम पचार मान मन को जहाँ आसो अनयुजुआल क्वेश्चन पचार जानवा सी क्रिएटिव चिल्ड्रेन। नेक्स्ट रही विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल वेयर प्राइमरली एस्टैब्लिश्ड फॉर वार्ड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु आर पीरियडिकली ट्रांसफर्ड तो देखु से कही सेंट्रल गवर्नमेंट रे जो मैंने चाकरी करते टाइम टाइम तीन वर्ष चार वर्ष को अलग अलग जगह ट्रांसफर करा तो पाने पाठ पढ़ा प्रोब्लम हम तो पाने को स्कूल पाठ पढ़े जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर चाकरी कर टाइम टू टाइम से मानकर ट्रांसफर हो तो पाएस केन्द्रीय विद्यालय पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रोजेक्ट मेथड इज प्रोपगेटेड बाय प्रोजेक्ट मेथड किए प्रोपाउंड करते तो ये आम करेक्ट आंसर जी विलियम हेच किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एस सी आर टी वाज एस्टाब्लीश इन द इयर एस सी आर टी कौ वर्ष एस्टाब्लीश कर आम एस सी आर टी एस्टाब्लीश होता 1988 ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट करस्पंडिंग टू सेफाउ कार्डल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट गोटे चाइल्ड रोटे डेवलपमेंट सेफाउ कार्डल प्रिंसिपलटा कौ टाइप जाऊँच तो ये आम करेक्ट आंसर हम डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट ऑप्शन नंबर ए हूँ आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विथ इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज ए सिम्पटम ऑफ आमर जो लेखिबार प्रॉब्लम रोचे तो से सिम्पटमटा कौ प्रकार डिफिशियंसी आसुच्छे तो ये आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी डिसग्राफिया कहवा डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचर एज फॉर एनसीएफ 2005 इज ए एनसीएफ आमर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुजाई जड़े शिक्षक कौ भाया होगा उचित तो ये करेक्ट आंसर हूँ फैसिलिटेटर होगा उचित ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपनपाई जेड पी डी सिग्निफाइज आम जेड पी टी फुल फॉर्म से पचार जेड पी डी फुल फॉर्म हूँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सी ए बी स्टैंड्स फॉर कैब फुल फॉर्म पचार कैब फुल फॉर्म हूँ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट गुड टेस्ट कौटा गोटे क्वालिटी बा कैरेक्टरिस्टिक नुहे से पचार गुड टेस्ट बा स्टैंडर्ड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक हूँ वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजबिलिटी आउ ऑब्जेक्टिविटी किंतु फ्लेक्सिबिलिटी नुह तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये थी आज टोटल 76 क्वेश्चन तो आप मैंने आउट ऑफ 76 केते स्कोर करछन कमेंट बॉक्स रे निहत भाबे जणाइबे जदि भिडियो भल लगते तार निहत गोटे लाइक करिवे और अधिकारु अधिक मात्रा रे कृपया सांग साथी मानकु शेयर करिवे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।